तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह सोलह साल हो चुके हैं सो so लोग पूछते हैं कि क्या रीज़न है क्या इसके पीछे सक्सेसफुल शादी के पीछे क्या हाँ। वजूहत है वो, तो वो यही है कि हम दोनों काम करते हैं और जनरली अलग होते हैं तो so, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बातें करने को होती हैं जब हम मिलते हैं कि कब मिलते हैं कितने फ्रीक्वेंटली uh, मुलाकात तो रोजाना हो जाती है वो भी ट्रैवल बहुत करते हैं मैं भी ट्रैवल बहुत करती हूँ महीने में एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व डेज आमर इज नॉट होम एंड देन अगर वो ट्वेल टू ट्व डेज नहीं होता तो मैं घर पर होती हूँ और जब वो आ जाता है फिर मेरी ट्रैवलिंग स्केड्यूल्ड होती है अगर मुझे कहीं बाहर शूट पर जाना हो so, अच्छा ये नहीं like, होता कि तुम काम कर रही हो हम टाइम कम स्पेंड करें तुम छोड़ दो काम मैं कर रहा हूँ बच्ची सफर कर रही है याले Stop नहीं it. नहीं हम दोनों दो ऐसे वाले हैं कि अगर हम काम ना कर रहे हो तो हमारे क्लॉज बाहर निकले हम्म कोविड hmm. में पता नहीं कैसे हमने बर्दाश्त <laughs> किया था माशाला और ये, नहीं। 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 ये ये सक्सेस है सीक्रेट <laughs> है कि आप हर वक्त एक दूसरे के सामने ना हो स्पेस इज गुड स्पेस इज वेरी गुड फॉर एनी रिलेशनशिप वेदर इट्स अ मदर एंड अ डॉटर और अ अ फादर और और सन वाले बहन भाई आपस में हाँ। और मियाँ uh, बीवी के लिए तो खास करके बहुत कितने साल हो गए शादी को डेढ़ सौ साल सिक्सटीन ईयर्स माशाल्लाह डेढ़ सौ ही हो गए तकरीबन फील्स लाइक डेढ़ सौ बट इन ह्यूमन यू के दस साल का जो टाइम होता है ना टेन ईयर्स डेकेड इज अ टफ टाइम और हर रिलेशनशिप उसमें टेस्ट होती है तुम्हारा कभी ऐसा टाइम आया कि यू फेल्ट कि यार ये हमारा रिलेशनशिप का टेस्ट था और बहुत हम सारे टाइम ऐसे आए ना दिया बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं दे वंट वेरी बिग इशूज विच इज़ वाई आर देर टुगेदर माशा बट कभी कभार ऐसा लगता है आइडिया बिकॉज आप चेंज बिकॉज हम लोगों ने यंग एज में बहुत शादी की हाँ। so जब हम, जब आप छोटे होते हो तो आप एक साथ ग्रो कर रहे होते हो और क्या पता कभी कभार आपकी ना सोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है आपकी चीज़ें आपको डिफरेंट टाइम पे ज्यादा चाहिए लाइक आमिर को एक टाइम पे सोशलाइजिंग बहुत करनी थी मुझे नहीं करनी थी फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने सोशलाइजिंग करनी थी आमिर ने नहीं करनी थी फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं बहुत बिजी थी आमिर नहीं था तो हमारे टाइमिंग के डिफ्रेंसिस थे इसके अलावा एसेंशली माशा मॉरल एथिकल वैल्यूज हमारी सिमिलर हैं विच इज़ वाई कि वो चीज़ें हमने जो है वो एक तरफ कर और कभी लॉयल्टी का टेस्ट नहीं आया लॉयटी वहाँ से क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा टेस्ट और इम्तिहान यही होता है जब लॉयल्टी में क्रैक पड़ जाए। देखिए मैं और आमिर हम दोनों वो वाले हैं जिनकी ना जैसे मैंने कहा वर्कोहलिक हमारा जो है वो मुद्दा बहुत अलग है नहीं शादी हो गई उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया ठीक है क्रशर्स क्रशज एक अपनी जगह होती है क्रिस पाइन हाँ। सब पे क्रशर ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल। सब पे बदलता रहता है बट ये किस्म की सोच रात Other than that, I love my husband to death, mashallah, mashallah, to, to this day. He's the father of my child. He is one of the most um, intelligent people I know. नॉट इमोशनली इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी होते ही नहीं है छोड़ दें बट <laughs> <But>, नहीं होते <laughs> क्या करें बट ये कि वैसे ही है हर चीज़ वो करता है उसकी रिजिलियंस बहुत है सो दे लॉट ऑफ क्वालिटीज़ आमिर है जिसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एंड साइमल्टेनियसली वही चीज़ें उसको मुझ में नजर आती हैं, जो कि उसको आर्टिकुलेट करना नहीं आता बताना नहीं आता <laughs> तो मुझे निकलवाना पड़ता है